दोस्तों जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती उसकी बदनामी शुरू हो जाती है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के अड्डेसिक्स में। कुछ ऐसी बदनामी यहाँ पे झारखंड के पारा शिक्षकों की हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 65,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी और इसका धांधली का कुछ मामला सामने आया है, जिनमें कि करीब 458 ऐसे पोस्ट हैं जिसकी धांधली का मामला निकलकर सामने आ चुका है। और इस प्रक्रिया की, यानी कि जो 65,000 शिक्षकों की पूरी प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया फिर से होने वाली है। तो आपको बता दें कि इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, और जो भी मेरे भाई बंधु झारखंड से हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, चाहे वो आपके साथ जुड़े हों या फिर नहीं जुड़े हों, उनके ग्रुप में, उनके फेसबुक पे भी पोस्ट कर दीजिएगा इस पोस्ट को शेयर करके, ताकि ये न्यूज उन तक पहुंच सके और ये उन तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, हम बात करेंगे पारा शिक्षकों की, जो नौकरियों की बात हुई है ये वैकेंसी के बारे में, सारा न्यूज़ निकाला गया है हिंदुस्तान खबर में। उससे पहले हम सारा डिटेल देखेंगे, और उससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वैकेंसी दी थी नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट को। जी हाँ, ये वैकेंसी का वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाया हो, तो प्लीज देखिएगा इस वीडियो को अगर इसका नोटिफिकेशन जाता है तो। 230 पदों की भर्ती है, पीओ की और क्लर्क की, और साथ ही साथ एसओ की भर्ती है। ओके, तो ये इन तीनों पोस्ट की भर्ती है 230। यहां पे जिसको भी आवेदन करना है जरूर जाके कीजिए। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों इस न्यूज के बारे में, जहां पे झारखंड के सभी पारा शिक्षकों की नियुक्ति की जांच की बात की जा रही है। दोस्तों बता दें कि ये खबर निकली है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान पेपर से, और बताया जा रहा है कि लगभग 65,000 शिक्षकों की बहाली की जांच की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये 65,000 पारा शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। 65,000 मतलब आज से पहले भी जितने लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं उनकी भी यहाँ पर जाँच पड़ताल हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जाँच में यह तो पता लगाया जाएगा कि बहाली में जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। तो इस जांच में यही सबसे ज़्यादा क्लियर किया जाएगा कि इसमें जो प्रक्रिया में सारा प्रोसेस जो है वो रूल के मुताबिक गया है या नहीं। पलामू ने नौडीहा बाजार और छतरपुर, ये देखिए दो प्रखंड हैं झारखंड के पलामू जिला के। आपको बता दें कि नौडीहा और छतरपुर प्रखंड में करीब 458 पारा शिक्षकों को गलत तरीके से बहाली का मामला सामने आया है। यहाँ पर देखिए यह है मामला, सामने आने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये 458 ऐसे पारा शिक्षक थे दोस्तों जिन्होंने बैकडोर एंट्री से, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स इनके सही नहीं थे उस प्रक्रिया में भी करते हुए ये आगे की तरफ गए और पारा शिक्षकों की बहाली में शामिल हो गए हैं। अब बताया है कि सरकार ने उन सभी उपायुक्तों को DDC के अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, जहां पे इस कमेटी के बनाकर जांच करने का निर्देश भी दिया गया है। इनफैक्ट आपको बता दें यहां पे कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक उमा शंकर ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि पलामू के दोनों प्रखंड यानी कि नौडीहा और छतरपुर में जितने भी पारा शिक्षकों की बहाली में अनियमितता पाई गई है उन सभी को पलामू DDC के रिपोर्ट पर संबंधित शिक्षकों के मानदेय को रोकने के साथ उन्हें सेवा मुक्त के लिए DEO और DSE को निर्देश दिया है। ये अब मैं आपको पुष्टि करता हूं कि यहाँ पे जो उमा शंकर जी हैं जो कि परियोजना निदेशक हैं झारखंड सरकार की, और इन्होंने ये फैसला लिया है क्या कि जो 458 पारा शिक्षकों की बहाली का मामला सामने आया है ऐसे अभ्यर्थी और भी हो सकते हैं, और कुल यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों 65,000। ये देखिए ये 65,000 की जो कुल यहाँ पे शिक्षकों की मामला है इसको फिर से जांच करने का पूरा आदेश दिया है। इनफैक्ट यही नहीं, छतरपुर जो है आपका प्रखंड और आपका नौडीहा बाजार जो है, इन दोनों प्रखंड के शिक्षकों की बहाली का जो अनियमितता बताई गई है, यानी कि इनके कुछ के डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ के ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे कि क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि ये उन्हीं के हैं या कोई और विद्यार्थी का है, या स्कैन करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये मामला जो है ये सामने आया है शिक्षकों के, पारा शिक्षकों की बहाली में तो कुछ अनियमितता ये भी हुई है, और कुछ के हुए हैं कि
उनके पास डिग्री नहीं होने के बावजूद भी उनको पारा शिक्षकों की बहाली में उनको नियुक्त किया गया है। तो ये सारा मामला जो है ये सामने आ चुका है और यहाँ पे जो DDC के रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित शिक्षकों के मानदेय को यानी कि जो इनके वेतन दिया जा रहा था इनको रोक दिया जाए। और आपको बता दें कि अभी पारा शिक्षकों की जो तनख्वाह है दोस्तों वो 12 से 15 हज़ार की है यहाँ पे झारखंड में, और ये 12 से 15 हज़ार की शिक्षकों की जो मानदेय है इसको रोकने के साथ साथ उनको सेवा मुक्त यानी कि उनको सर्विस से बाहर किया जाए, एटलीस्ट जो 458 लोग पाए गए हैं उनको, और बाकी जो 65 हज़ार लगभग पूरी जो वैकेंसी थी यहाँ पे उस 65 हज़ार वैकेंसी एक्चुअली पूरी है जितनी प्रक्रिया अभी तक हुई है। इन 65 हज़ार वैकेंसियों की जाँच का एक कमेटी बना दिया गया है और इस कमेटी के जरिए सारा जांच का प्रक्रिया किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी का न्यूज़ था दोस्तों कि पलामू में दो प्रखंड जो हैं उन्हें 458 पारा शिक्षकों की बहाली में नियम का पालन नहीं किया गया, इनफैक्ट DDC की जांच का रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई थी, उसके बाद कार्रवाई का जाँच बैठाया गया है और दो अन्य प्रखंड के अलावा जो अन्य प्रखंड है उनमें सभी तरह की गड़बड़ी की संभावनाएँ भी बताई जा रही हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पे अपनी नौकरी ली है वो पहले ही सामने अगर आ जाएंगे तो उन वो बच सकते हैं, सरकार उनको कुछ छूट दे देगी, अन्यथा अगर वो पकड़े गए ऐसे लोग जिन्होंने गलती से यहाँ पे अपनी नौकरी ली है तो सज़ा के साथ साथ उनकी नौकरी भी जाएगी और साथ ही साथ जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ उनका यहाँ पे कुछ कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो ये सारा मामला था दोस्तों जो कि झारखंड से निकली हुई खबर थी सभी पारा शिक्षकों के लिए, और ये आपको बता दें कि इसमें जो नियुक्ति की जांच हो रही थी इसकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में झारखंड के उन विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये न्यूज़ पहुँच सके और उन तक ये खबर जा सके जिन्होंने पारा शिक्षकों के लिए आवेदन किया था। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिर से तैयार रखिएगा क्योंकि ये फिर से प्रक्रिया की जांच हो रही है, तो सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका और उसमें सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। तो जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक दूसरे को शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बिहार बेलेट्रॉन के क्यूज़ के बारे में आपको बताया है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा, और बेलेट्रॉन की जी हाँ बेलेट्रॉन में जो कंप्यूटर की और GK की क्लासेस जी हाँ बेलेट्रॉन में, क्योंकि बिहार GK से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको पता होना चाहिए, उसका सिलेबस में है बिहार GK और कंप्यूटर, तो ये दो क्लास एटलीस्ट आपके लिए शुरू की जाएगी। ओके सिलेबस आपको मैं बता दूंगा और GK की क्लास और कंप्यूटर की क्लास एक ही टाइम पर होगी, एक दिन अल्टरनेट करके होगी या फिर एक एक घंटे में एक घंटे की क्लास में दोनों ही क्लास के GK और कंप्यूटर दोनों की क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो ये क्यूज सेक्शन होगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो बेलेट्रॉन से रिलेटेड अभी तक जितने वीडियोस हम लोग ने यहाँ पे आपको दिए हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्यूज 6 तक कराए थे उस समय, उसके बाद ये वैकेंसी रोक दी गई थी इसलिए क्यूज 6 के बाद हम लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया था इसको। तो ये जो है पूरा क्लास का सिनेरियो आज शाम से आपको दिया जाएगा, तो ओके तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, आपका एक उसमें टाइमिंग बता दिया जाएगा उस क्लास के वीडियो में, ठीक है, और कब से कितना टाइमिंग रहेगा आपका और ये रहेगा, तो ये आपका GK और कंप्यूटर होगा इसमें, ठीक है, जो कि बिहार GK होगा क्योंकि बिहार GK से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज होगा, है ना, तो चैप्टर वाइज ये क्लास होगा आपका। तो इस प्रक्रिया को हम शाम को बता देंगे टाइमिंग आपको सारा चीज़ और एक वीडियो के माध्यम से, और कब से कितनी देर का क्लास होगा ये सारा चीज़ डिटेल बता देंगे, ठीक है। अगर आप लोग करेंट अफेयर की क्लासेस चाहते हैं जैसे कि रेगुलर आपको हमारे चैनल में मिल रहे थे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को करेंट अफेयर की क्लासेस जो मॉर्निंग में सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दी जाती थी वो क्लास भी अब शुरू की जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके, और बेलेट्रॉन की क्लासेस के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, शाम को आपको ये अपडेट दे दी जाएगी कि GK और कंप्यूटर की क्लासेज जो होंगी एक साथ दी जाएंगी वो कब से कितने टाइम में दी जाएगी। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग शाम को।